अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम करती हूँ आप सभी लोगों को अपने चैनल फ़ायज़ा वसीम के ऊपर। और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस के एक और लेक्चर को डिस्कस करेंगे आज, और बात करेंगे दैट व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड रेगुलेटरी टेस्टिंग। हम सिस्टम लेवल टेस्टिंग के टाइप्स को डिस्कस करते हुए आ रहे हैं पिछले कुछ वीडियोस से। और जैसे कि हमें पता है कि हम जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं वो डिफरेंट लेवल्स के ऊपर परफॉर्म की जाती है, लाइक यूनिट लेवल पर पहले परफॉर्म की जाती है, उसके बाद हमारे पास इंटीग्रेशन लेवल आता है, थर्ड लेवल होता है हमारे पास सिस्टम लेवल। तो हमने यूनिट लेवल, इंटीग्रेशन और इन दोनों को तो कंप्लीट कर लिया था, इनके टाइप्स को भी डिस्कस कर लिया था और इनसे रिलेटेड बाकी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को भी कवर कर लिया था। और हम अब सिस्टम लेवल को डिस्कस कर रहे हैं काफ़ी टाइम से और इसके डिफरेंट टाइप्स को कवर करते हुए आ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम एक और टाइप की बात करेंगे सिस्टम टेस्टिंग की। एक और टाइप है हमारे पास रेगुलेटरी टेस्टिंग। रिकैप देख लेते हैं, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी डॉक्यूमेंटेशन टेस्टिंग के हवाले से। मैंने बताया था कि डॉक्यूमेंटेशन टेस्टिंग में आप अपने सिस्टम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स को टेस्ट करते हो, जिसमें आपके टेस्ट मैनुअल्स होते हैं, आपके ट्यूटोरियल्स होते हैं, आपके ऑनलाइन हेल्प होती है और एंड सो ऑन। तो अगर आपने ये वीडियो वॉच करनी है, इसमें हमारे पास तीन लेवल्स के ऊपर हम डॉक्यूमेंटेशन परफॉर्म कर रहे थे टेस्टिंग, रीड लेवल के ऊपर, हैंड्स ऑन लेवल टेस्टिंग एंड फंक्शनल टेस्टिंग। अगर आपने ये वीडियो वॉच नहीं की और करना चाहते हो तो इस वीडियो के लास्ट में शो जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप डॉक्यूमेंटेशन टेस्टिंग से रिलेटेड अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। नाउ आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं रेगुलेटरी टेस्टिंग के हवाले से। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, रेगुलेटरी वर्ड निकला है रेगुलेशन से, और रेगुलेशंस मीन्स कुछ रूल्स, कुछ स्टैंडर्ड्स। अब आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक कोई सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, वो हमारे पास किसी भी स्टैंडर्ड्स को अगर फुलफ़िल कर रहा है, तो हम वहाँ पे ये चेक करते हैं कि हम जिन स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं, आइदर वो CMMI रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हैं, वो ISO रिलेटेड स्टैंडर्ड्स हैं, वो ISO रिलेटेड क्वालिटी फैक्टर्स हैं, या वो कोई और से क्वालिटी फैक्टर्स हो सकते हैं। हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम, हमारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जिन स्टैंडर्ड्स को फुलफ़िल करना है, उनको प्रॉपर तरीके से फुलफ़िल कर भी रहा है या नहीं। जो स्टैंडर्ड्स हमें दिए गए हैं कि आपके प्रोडक्ट में अवेलेबल होने चाहिए, क्या रियलिटी में वो अवेलेबल हैं या नहीं, ठीक है। ये चीज़ आप चेक करते हो रेगुलेटरी टेस्टिंग के अंदर। अब रेगुलेटरी टेस्टिंग में आप ये देख सकते हो कि इसको आप डिफरेंट लेवल्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, लाइक आप इसको अपने प्रोजेक्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, इसको आप अपने सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस के ऊपर अप्लाई कर सकते हो, इसको आप अपने डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो भी आपकी टीम में इन्वॉल्व है उनके ऊपर अप्लाई कर सकते हो, और आप अपने प्रोजेक्ट के ऊपर भी रेगुलेटरी टेस्टिंग को अप्लाई कर सकते हो। ओके, डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं यहाँ पर। इन दिस कैटेगरी द फाइनल सिस्टम इज शिप्ड टू द रेगुलेटरी बॉडीज इन दोज कंट्रीज वेयर द प्रोडक्ट इज एक्सेप्टेड टू बी मार्क्ड। यानी कि आपने अपना प्रोडक्ट जिस कंट्री के लिए बनाया है, तो वहाँ के जो स्टैंडर्ड्स हैं, क्या वो आपके फाइनल प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद हैं, फुलफिल हो रहे हैं, ये चीज़ चेक की जाती है रेगुलेटरी टेस्टिंग के अंदर। द आइडिया इज़ टू ऑब्टेन द कंप्लाइंस मार्क्स ऑन द प्रोजेक्ट फ्रॉम वेरियस कंट्रीज। द रेगुलेटरी एजेंसीज आर इंटरेस्टेड इन आइडेंटिफाइंग फ्लॉज इन सॉफ्टवेयर दैट हैव पोटेंशियल सेफ्टी कॉन्सिक्वेंसेज। द सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स आर प्राइमरीली बेस्ड ऑन देयर ओन पब्लिश स्टैंडर्ड्स। अब ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने एक प्रोडक्ट एक कंट्री के लिए क्रिएट किया है और दूसरा प्रोडक्ट दूसरी कंट्री के लिए क्रिएट किया है, तो दोनों में सेम स्टैंडर्ड्स होंगे, सेम रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है भी और नहीं भी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि फॉर एग्जांपल एक जगह जहाँ पर आप अपना प्रोडक्ट को मार्केट कर रहे हो, वहाँ के स्टैंडर्ड्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफरेंट हैं, दूसरी प्लेस के रूल्स एंड रेगुलेशंस और स्टैंडर्ड्स वगैरह डिफरेंट हैं। तो ये चीज़ें आप चेक करते हो कि आप अपने कौन से एरिया के अंदर, कौन से लोगों के लिए अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हो, वहाँ के हिसाब से कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस बनते हैं, वहाँ के हिसाब से कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं जो कि आपने अपने प्रोजेक्ट के अंदर रखने हैं। तो ये सब चीज़ें आती हैं हमारे पास रेगुलेटरी टेस्टिंग के अंदर। आई होप दिस वीडियो इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो से रिलेटेड अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। वीडियो से रिलेटेड अपनी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर प्रोवाइड करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।